तकनीक तकनीकी दौर में समाज का एक बड़ा तबका अदबी मौजूदा से किनारा कश हो गया, यहाँ तक कि उर्दू जो एक खास तबका की मखसूस जबान थी, लोगों ने जबान से भी किनारा कशी शुरू की और आज उर्दू दानों का बड़ा तबका उर्दू की जुबू हाली का राग अला है। मोहतरम, कोई जबान उस वक्त तक जिंदा रहती है जब तक उस जबान को लिखने और पढ़ने वाले जिंदा हैं। उर्दू वो जबान है जो रहती दुनिया तक अपनी शीरनी का एहसास दिलाती रहेगी। मुशायरा उर्दू जबान की एक अहम कड़ी है जो उर्दू की बका के लिए जरूरी है। आज का ये कुलहिंद मुशायरा वक्त की अहम जरूरत थी, नई नस्लों को मुशायरा से रूशनास कराना बहुत जरूरी था। हालांकि आज लोग सोशल मीडिया के सहारे मुशायरे से संतोष होते हैं लेकिन वो चंद मखसूस अफराद के कलाम तक ही महदूद रहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सरफराज काबिज साहब का जिन्होंने अपने फुर्सत के नफात में ही नहीं अपनी मसरूफियात मुख्तसर करके मेरी हौसला अफजाई में गुजारी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम अजीजों का जिन्होंने बैरून मुल्क और मुकामी तौर पर हमारी माली ताउन हमारा माली ताउन फरमाया। खास तौर पर जनाब आसिफ दाऊदी साहब, इम्तियाज अहमद साहब, मेहताब आलम साहब, मोहम्मद सैफी साहब, सैफी आलम साहब, असफर अकबाल साहब, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, शहबाज हसीबी साहब, अब्दुल रहमान साहब, मकसूद रशीद साहब, डॉक्टर निशात अहमद साहब, मास्टर शहजाद हसन साहब, सरफराज सैफ साहब, मुनव्वर नफीस साहब, सरफराज उल हक साहब, अनवर अली मुखिया जी, शाहिदीन सुलेमान साहब, डॉक्टर रोहित शर्मा जी, मोहम्मद वजीउल हक साहब, मोहम्मद यजदानी साहब, मौलाना मसूद नदवी साहब, रागिब यहिया साहब, अफजल परवेज साहब, अरशदुल इस्लाम दाऊदी साहब और तहमीना सुल्ताना मैडम प्रिंसिपल मिडिल स्कूल के अलावा खास तौर पर नेशनल मेडिकेयर होम हॉस्पिटल के जिम्मेदारान डॉक्टर सैयद जियाउर रहमान साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, अलहाज अजमी साहब, डॉक्टर तौसीफ मोदी साहब के अलावा महमूद राशिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा मैं मशहूर हूँ उन सैकड़ों अहबाब का जिन्होंने हमारी माली तौर हमारा माली तौर फरमाया। साथ ही मैं शोरा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी महफिलों पर हमारी इस महफिल को तरजीह दी। हम शुक्रिया अदा करते हैं महफिल में मौजूद तमाम सामईन कराम का जो इस बज्म की जीनत है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जलकोड़ा के तमाम नौजवानों का जो अपनी मेहनत और लगन से इस प्रोग्राम को मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद की। हम खास तौर पर ममनून हैं जनाब मसलुद्दीन साहब, मसलुद्दीन कादिर साहब का जिन्होंने इन मुशायरे को मुनक़िद करने में मुहर्रिक का फौरन अंजाम दिया और हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाते रहे। आखिर में हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं जनाब नदीम अहमद साहब और मोहम्मद शहबान साहब का जिन्होंने अपनी गुनाह मसरूफियात के बावजूद हमारी महफिल को दिन बख्शा। इतना ही नहीं, मेहमान खुसूसी के घर में खानदान में आज एक तरह से मैयत भी हो गई है, उन्होंने उसको छोड़ करके हमारी महफिल को दिन बख्शी है और उम्मीद है वो बहुत जल्द रुखसत भी हो जाएंगे, ये मेरा अंदाजा है। शुक्रिया। और आप आजी जनाब अफान इकबालिया।